नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मैरी पार्कर फॉलेट की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लीडरशिप। देखिए, मैरी पार्कर फॉलेट ने एक बहुत अच्छा क्लासिकल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक और सोशल बिहेवियर अप्रोच के बीच का रास्ता निकाला था, तो उनके अनुसार उनके विचार भी बहुत अच्छे और एकदम इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था उनका, उसी टाइप के उनके विचार भी थे। तो लीडरशिप पर उनके विचार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉलेट, अ लीडर इज़ नॉट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट वन हु कैन सी ऑल अराउंड अ सिचुएशन एंड हु सीज इट एज रिलेटेड टू अ सर्टन पर्पस एंड पॉलिसीज। देखिए, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि लीडर वो है जो हेड है, पावर दे दी, हेड भाई हेड नहीं भाई, वो आदमी जो रियली में ब्रेन है वहाँ का, वो सब कुछ देख पा रहा है। मतलब इन्होंने हेड का मतलब सिर पे बैठा हुआ आदमी नहीं, एक अच्छे सिर वाला आदमी को बताया कि जो चीज़ें रिलेटेड पर्पस पॉलिसीज़ को देख पा रहा है, वो क्या हो रहा है सिचुएशन वो पढ़ पा रहा है, ठीक है, और वो नेक्स्ट सिचुएशन को इवॉल्व कर पा रहा है, समझ पा रहा है, इतना दिमाग लगा पा रहा है, और उसको एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पर कैसे जाना है, हाउ टू पास ऑन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, ही कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल वे। ही इज़ अ मैन हु कैन शो दैट द ऑर्डर इज़ इंटीग्रल टू द सिचुएशन। मतलब ऑर्डर जो आप पास हो रहे हैं वो सिचुएशन के अनुसार या लॉ ऑफ सिचुएशन के अनुसार पास हो रहा है। फॉलेट स्टेटेड दैट सच पीपल आर फाउंड ओनली एट द टॉप बट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलते थे कि ऐसे लोग केवल टॉप पर ही नहीं फाउंड होते हैं, उससे मिलते नहीं हैं, नॉट ओनली एट टॉप बट ऑल्सो थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में भरे होते हैं ऐसे आदमी। फॉलेट बोलते थे कि लीडर नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस हिज ग्रुप, अपने ग्रुप को केवल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा बट उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, एक लीडर कितना इन्वॉल्व है कि अपने ग्रुप से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। शी कॉल्ड दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सर्कुलर रिस्पॉन्स। ये होता है सर्कुलर रिस्पॉन्स कि आप फीडबैक मैकेनिज्म में, आप ग्रुप आपको से प्रभावित हो रहा है, आप ग्रुप की चीज़ों से आप सीख रहे हो, ये सर्कुलर रिस्पॉन्स है। फर्दर द लीडर मस्ट ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर को एक्सपर्ट्स की भी राय लेनी चाहिए। जैसे पुराने राजा महाराजा धर्म का अलग ज्ञाता रखते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट रखते थे, तो एक तरह से एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी भी राय लेनी चाहिए। फाइनली द फंक्शन ऑफ द लीडर इज टू क्रिएट ग्रुप पावर। मतलब पावर विद वाला कॉन्सेप्ट आया कि उसको पावर विद वाले कॉन्सेप्ट से लेकर ग्रुप पावर बनानी है, रादर देन पावर ओवर वाला यूज़ नहीं करना, बॉसिज्म नहीं दिखाना है, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, फॉलेट डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तीन टाइप की लीडरशिप के साथ डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने। लीडरशिप ऑफ पोजिशन, ठीक है, लीडर ने पोजिशन ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी होल्ड किया हुआ है, पोजिशन अभी रानी है ब्रिटेन की, ठीक है, पोजीशन। लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनल क्वालिटीज ऐसी हैं उसकी कि ऑटोमेटिक लीडर बन गया। लीडरशिप ऑफ फंक्शन, इसके पास पोजीशन भी है पर्सनैलिटी भी है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री भी हैं और उनका पर्सनैलिटी भी है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लीडरशिप का तीन टाइप ऑफ लीडरशिप बताई। पॉलेट सेड दैट ओनली दोज पीपल हु पोजेस फंक्शनल नॉलेज, जिनको फंक्शनल कार्यशैली की नॉलेज है, लीड इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। जिसको पूरा फंक्शन पता है कि कैसे किसको क्या काम करना, वही मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में लीड करता है। नॉट ओनली दोज हू पोजेस फॉर्मल पोजिशन और फोर्सफुल पर्सनैलिटी। मतलब आज का दौर जो है ना, उसमें आपकी केवल पर्सनैलिटी से भी काम नहीं चलेगा, आपको लॉ ऑफ सिचुएशन पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपकी अथॉरिटी और आपके पास फॉर्मल पोजिशन भी है, तभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको फंक्शनल नॉलेज है ही नहीं। सी व्यूड that for the successful operation of an organization it must be sufficiently flexible to allow leadership of the function to operate, to allow the men with knowledge and technique to control the situation। ये बहुत कम जगह होता है कि ज्ञान और बुद्धि वाले लोगों को आगे करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर के लिए यूज़ किया जाता है, ईगो फीलिंग आ जाती है। टॉप वाले आदमी सोचते हैं हम बॉस हैं, वो नीचे की लीडरशिप को वहीं दबा के रख सकते हैं, बोल देंगे स्टे आउट ऑफ दिस, दिस इज आउट, दिस इज मोर देन योर पे ग्रेड, खत्म बात। तो कितनी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाती है। बहुत अच्छी चीज़ कही इन्होंने कि फंक्शनल लीडरशिप ऑफ फंक्शन है, उसको फुल्ली ऑपरेट करने की ताकत दे ऑर्गेनाइजेशन में, इतना भी दम होना चाहिए कि लेके आए उन लोगों को आगे, कि भाई मिडिल वाले मैनेजमेंट में एक ऐसा बंदा है जो टॉप वाले मैनेजमेंट के सेमिनार में लेक्चर दे सकता है, तो उसको पावर दी जाए, भाई लाया जाए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि ऊपर बैठा बॉस ही लेक्चर देगा, अगर ऐसी क्वालिटी है तो उसको लाया जाए। अकॉर्डिंग टू फॉलेट फंक्शंस ऑफ लीडरशिप आर, फंक्शन ऑफ लीडरशिप क्या है, कोऑर्डिनेशन, सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट करना और इफेक्टिव यूनिटी बना के रखना। डेफिनेशन ऑफ पर्पस,
पैटर्न और ऑब्जेक्टिव सेट करना ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा और गोल क्या रहेंगे। एंटिसिपेशन टू हैव इनसाइट, मतलब इनसाइट मतलब सोच रखना और फ्यूचर में फेथ रखना। इट इज़ मेकिंग द नेक्स्ट सिचुएशन एंड नॉट मीटिंग द नेक्स्ट सिचुएशन, मतलब अगली सिचुएशन हमें एंटिसिपेट करना है, सोचना है और अगली सिचुएशन क्या होगी वहाँ पर हमें कदम रखना है, ना कि अगली सिचुएशन का वेट करना है। टू ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप, मेक इट अवेलेबल एंड मोस्ट एफिशिएंटली अवेलेबल एंड ट्रांसफर इनटू ग्रुप पावर, मतलब ग्रुप का एक्सपीरियंस देखना है, उनको चांस देना है और ग्रुप पावर बनाना है, पावर विद वाला कॉन्सेप्ट है। टू डेवलप लीडरशिप इन अमंग द सबॉर्डिनेट्स, मतलब सेकंड लीड लीडर भी तैयार करने हैं उसको। लीडर शुड टीच एंड ट्रेन ए सबॉर्डिनेट हाउ टू कंट्रोल ए सिचुएशन देमसेल्व्स, कितना अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कोई मात ही नहीं खाएगा। एक लीडर के मरने के बाद, मरना बोल रहा हूँ मैं, एक लीडर के अलावा भी और भी लीडर्स की सेकेंड लीड आपके पास तैयार रहेगी। फॉलेट बिलीव दैट लीडर्स आर नॉट ओनली बॉर्न, वो सिर्फ पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए भी जाते हैं। शी रिजेक्टेड द सो कॉल्ड इनटेंजिबल कैपेसिटी ऑफ लीडर, असर्टेड लीडरशिप कैन बी लर्न, मतलब ये नहीं बोलते थे कि भाई ये कैपेसिटी इसकी इनटेंजिबल है, इसके पास ही है, ऐसा नहीं है, ये लीडरशिप सीखी भी जा सकती है। तो ये था इनका लीडरशिप कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट था कि भाई एक लीडरशिप जो है वो बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, सबॉर्डिनेट से सीखना चाहिए उसको, सर्कुलर रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सब इनका व्यूज़ थे। चलिए इसी में हम प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म ही कर देते हैं। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मैरी पार्कर फॉलेट ने क्लोज नेक्सस इस्टेब्लिश किया प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में। क्या कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फिगर प्रोमिनेंटली इन हर वर्क, मतलब कोऑर्डिनेशन को प्लानिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर माना इन्होंने, जो उसके वर्क में भी दिखा। शी फेल्ट दैट सेंट्रल प्लानिंग इम्पोज फ्रॉम नेशनल लेवल ओवर द लोकल लेवल इज डूम टू फेलियर बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऊपर से नीचे तक आने में टीयर टू टीयर जाएंगे हम, तो फेलियर ही नज़र आएगा। दैट इज़ हारमोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट्स, ठीक है, तो हारमोनियस ऑर्डरिंग मतलब बिल्कुल आपस में हारमोनी बना के ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट्स, सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा लेके चलना है, ये कोऑर्डिनेशन होता है। हैंड सेंट्रल प्लानिंग शुड बी ए मैकेनिज्म और टू शुड बी ए मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, इसलिए सेंट्रल प्लानिंग जो है वो एक मैकेनिज्म होना चाहिए टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। सी पोस्टुलेटेड फोर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के चार प्रिंसिपल क्या हैं। कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब आदमी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना चाहिए अपने नीचे वालों से, पोजीशन का भय नहीं होना चाहिए, इगोइज्म नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लीडर में, ऑर्गेनाइजेशन लेटर जो हायर की है उसको नीचे तक आने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वर्टिकल चेन ऑफ कमांड इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन, ये भी इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हायरार्की वाला वर्टिकल चेन। कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस, द पीपल कंसिडरिंग दे शुड इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग स्टेज इटसेल्फ रादर देन लेटर स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये बोलते हैं कि जो लोग पॉलिसी मेकिंग से कंसर्न हैं या पीपल कंसर्न हैं वो पॉलिसी मेकिंग स्टेज पर ही खुद को इन्वॉल्व करें, बाद में लेटर स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से पहले ही पॉलिसी मेकिंग स्टेज में वो लोग आपस में मिल जाने चाहिए। सच एन अर्ली पार्टिसिपेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज मोटिवेशन हायर मोरल, जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे तो हायर मोरल रहेगा। द वाइटल प्रिंसिपल इज लार्जली इग्नोर्ड इन द सेंट्रल प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग ये चीज़ छोड़ देती है, ठीक है, कि पीपल कंसर्न शुड बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग स्टेज इट्सेल्फ, मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करो ना, छोटे से छोटा आदमी, वही बात कर रही थी मैरी पार्कर फॉलेट कि नीचे लेवल का आदमी को भी इन्वॉल्व करो, जो मैंने स्वीपर वाला वो एक हेल्थ ऑफिसर वाला एग्जांपल दिया था कि उससे भी इनपुट लो भाई, फीडबैक लो, बाद में करते रहो इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वो कमियां बताता रहे, कंप्लेन लिखते रहो, वो कभी ठीक होंगे नहीं। और कोऑर्डिनेशन एज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, अब कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया और ख़त्म हो गया, कंटिन्यू रखना चाहिए इसको। प्लानिंग टू एक्टिविटी, फ्रॉम एक्टिविटी टू फर्दर प्लानिंग, ये सारा पूरा एक कंटिन्यू प्रोसेस है। देयर शुड बी परमानेंट कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी, बिल्कुल परमानेंट कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी होनी चाहिए, आपस में मीटिंग्स होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, इनफॉर्मल मीटिंग्स होनी चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन रैशनल मैनर्स। कोऑर्डिनेटिंग एज अ रेसिप्रोकल फिनोमेना, अब कोऑर्डिनेटिंग जो है वो भी एक रेसिप्रोकल फिनोमेना कैसे है, इट इज़ रेसिप्रोकल रिलेटिंग टू ऑल फैक्टर्स इन सिचुएशन इंडिकेट्स इट्स प्रोसेस, ऑल फैक्टर्स शुड बी रिलेटेड टू वन अनदर एंड इंटरलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स शुड बी कंसिडर्ड। फॉलेट रिगार्डेड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम ऑफ इंटरलेटेड पार्ट,
अब फॉलेट ने ये जो बात कही इसमें इन्होंने ये कहा कि पॉलिनेशन जो है उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए ऑल फैक्टर्स का, और सिचुएशन जो है उसी प्रोसेस को वो इंडिकेट कर रही है, जैसा रेसिप्रोकल प्रोसेस होगा वैसे ही सिचुएशन होगी वहाँ पे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और आगे भी ऐसे वीडियोस बनते रहेंगे। धन्यवाद।